नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जनवरी 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रयागराज के प्राचीन और पौराणिक महत्व के धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का खाका तैयार कर लिया गया है। बीजेपी सरकार की तैयारी है कि इन प्रोजेक्ट्स पर जल्द काम शुरू हो, ताकि महाकुंभ के आयोजन से पहले इन निर्माण कार्यों को पूरा किया जा सके। हिंदुत्व के लिए खास है ये फैसला, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन का लक्ष्य पहले ही तय कर रखा था। बीजेपी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में विकास के साथ ही हिंदुत्व की विरासत और संस्कृति को भी आगे बढ़ाने के बड़े लक्ष्य तय कर दिए हैं। योगी सरकार जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वन गमन मार्ग अयोध्या से चित्रकूट के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में जनवरी 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर भी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। योगी सरकार ने महाकुंभ के पहले प्रयागराज के प्राचीन और पौराणिक महत्व के धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का खाका तैयार कर लिया। योगी सरकार की तैयारी है कि इन प्रोजेक्ट्स पर जल्द काम शुरू हो, ताकि महाकुंभ के आयोजन से पहले इन निर्माण कार्यों को पूरा किया जा सके। योगी सरकार ने 2019 में प्रयागराज में दिव्य और भव्य कुंभ आयोजित किया था। इसमें जहां 24 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी, वहीं कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इस कुंभ में बना था। योगी सरकार ने कुंभ के आयोजन को लेकर बड़े पैमाने पर शहर में फ्लाईओवर, रेलवे अंडरपास, सड़क और चौराहों का चौड़ीकरण किया था। वहीं योगी सरकार अब 2025 के महाकुंभ के आयोजन को 2019 के कुंभ से भी बेहतर आयोजन करने की तैयारी कर रही है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में प्रयागराज के धार्मिक स्थलों का कायाकल्प करने के योगी सरकार के इस फैसले का साधु संत भी स्वागत कर रहे हैं। तक्षक तीर्थ की पीठाधीश्वर और जूना अखाड़े के संत श्री रविशंकर ने सीएम योगी के फैसले को लेकर कहा कि सनातन धर्म को बढ़ावा देने का कार्य सराहनीय है। उन्होंने कहा है कि मंदिरों का जीर्णोद्धार होने से महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को इन धार्मिक स्थलों का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। २०१९ के कुंभ में कुछ मंदिरों का कायाकल्प किया गया था, लेकिन जो प्राचीन और पौराणिक धार्मिक स्थल छूट गए थे, उन्हें इस बार शामिल करने का फैसला किया गया है, जिससे 2025 में होने वाले कुंभ को और भी ज्यादा भव्य बनाया जा सके। सीएम योगी होने के साथ एक संत भी है, तो वो हिंदुओं और उनकी भावनाओं को बखूबी समझते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।